वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं निग्याल टीवी 295 और मैं हूँ आपका दोस्त अदील। ये है चमकौन वैली, निग्याल की खूबसूरत मनाजर। चमकौन वैली में चारों तरफ बाहरी बाढ़ है। ये खूबसूरत वादी किसी जन्नत से कम नहीं। ये हमारे गांव की खूबसूरती है, ये खूबसूरत गाय। ऐसी हम पहुंच गए जी दनान खरल साहब ने डेरे ते, तो इन्हों को बह के तो इन्हों को कुछ मालूमात लेने हैं। इन्हों माल मशीन रखे हैं इन्हों बारे च। ये खूबसूरत साड़ा गन्ना आया है, दनान साहब जा रहे हैं। असी हम पहुँच आए हैं जी दनान साहब के डेरे ते, तो दनान साहब को मालूमात लेने हैं जी, तो उन्होंने माल मवेशी का की बने हैं। बीमारी काफ़ी ज़्यादा ही है, तो उन्होंने को पूछने जी कि तुहाडे कितने की माल डंगर बचे है। अस्सलाम वालेकुम दनान भाई। वालेकुम सलाम जी। दनान भाई की हाल? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का, तुसी सुनाओ जी। अल्लाह का करम है जी, ठीक ठाक हाँ। तो भाई जान कोई बीमारी काफ़ी आई है मालों की, तो थोड़ा हिसाब किताब है माल का? बीमारी काफ़ी आई पी है जी, माल डगर बचे को नहीं लोगों ने जी, बड़ा नुकसान होया गरीब लोगों का। कल जे बारिश आई है तो थोड़े सामने बरसाती नाला है कस, ये उत्तर सारा वैड़ा रुड़काया है, सटिया है मरिया है कस बच्च, तो वो रुड़के इधर आ गया है। तो हूँ ट्रैक्टर पिछे पा के छिके सड़क आया, वो थोड़ा सामने ट्रैक्टर पिछे खलोते है। तो और इस अलावा तो की हिसाब किताब इतने बाकी बंद माल मवेशी बचे न, या कोई काफ़ी नुकसान होया बंद का? बहुत नुकसान होया जी गरीब लोगों का, बच्चे भी हैं लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे बंद ने माल जो सेहतमंद भी हुए ने। अच्छा, लेकिन यह बैके बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान होया। अच्छा, तो ऐसे साढ़े किसान बुरान बच्चे ने एक एक दिन जो एक एक दिन या दो दो डंगर मरने रहे। अच्छा, तो किस्सा कुता कि इस बीमारी ने गरीब किसान ने जो है कमर जी तोड़ दी है। अच्छा अच्छा, तो दनान भाई तुसी दसो जी तुसा की माल डंगर रखे है अपना इत्थे डेरे ते? एक मझ है जी, एक गांव है, एक वेड़ा रह गया। अच्छा, बाकी है थोड़े सामने डेरा तक लो। खैर मेरी आबाद सी हूँ बिल्कुल तक लो वीरान हो गया। इस बीमारी ने वजह तो काफ़ी जमींदार भाइयों ना किसानों ना नुकसान होया है, तो तुहाडे डंगर अपने बच गए? बस जी अल्लाह ने करम है, तुम दस जी त्रै डंगर हैं, शुक्र है मालक ने जात में। देखो जी किसान बरा के करन, एक तो बीमारी ने तबाही चा दी, दूसरा महंगाई किसान की कमर तोड़ रही है। अच्छा, 18-18 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों ने बिजली ने बिल आ रहे हैं जी। जी बिल्कुल, तुसी ठीक पे आखने हो। खाद ने रेट देखो जी दो गुना बद गए, त्रै गुना बद गए, खाल नहीं कीमत आसमान तक पहुँच गया पे। बाकी चीज़ा रोज़मर्रा जरूरत जिंदगी चीज़ा भी तक लो, अपनी घी तक लो और चीज़ा तक लो, हर चीज़ महंगा। जी जी बिल्कुल, तो किसान फिर क्या करे जी? तो अपना पेट पालना है जी, कितों पालना है?